सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर एक, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक ने। क्वेश्चन नंबर दो, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर तीन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 4 जून, बी 11 जुलाई, सी 27 सितंबर, डी 16 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 27 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर चार, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है ए 11 अनुसूची, बी 12 अनुसूची, सी 13 अनुसूची, डी 14 अनुसूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर पांच, लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर छः, सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए केरल, बी असम, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर सात, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 28 फरवरी, बी 23 मार्च, सी 21 अप्रैल, डी 11 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर आठ, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नौ, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी झेलम नदी, सी रावी नदी, डी ताप्ती नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर दस, भारत का सर्वाधिक इलायची उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी असम, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी झारखंड में, सी असम में, डी मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी असम में। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी बंगलौर, सी हैदराबाद, डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंगलौर में। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ए मुंडकोपनिषद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 14, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है ए कन्नड़, बी मलयालम, सी कोंकणी, डी तेलुगु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मलयालम। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 11 जून, बी 21 जून, सी 11 जुलाई, डी 6 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 17, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी बिहार, सी झारखंड, डी सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 19, सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी पटना, सी लखनऊ, डी कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी गृहमंत्री। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।